शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका भी एक ही लक्ष्य है, समाज को सुख संपत्ति समृद्धि देना। क्या चाहते हो आप सब? समाज को सुख में देखना चाहते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पे आकर के हमको वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के एक श्रेष्ठ कर्म की कदम दी, जिसे आप प्रकृति के साथ जोड़े। मैं कई बार देखती हूँ, वास्तुविदों ने कहा कहीं पौधा रखने के लिए, कहीं कछुआ रखने के लिए, कहीं पांचों तत्वों को जोड़ने वाली हर चीज को जीवन की समृद्धि के साथ जोड़ करके, क्योंकि हमारा जीवन दो चीजों से बना, जीवन प्लस आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग, दोनों के समन्वय को भी जीवन कहा गया है। एक चीज को हम साथ लेकर के जाएंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन प्लस बीइंग, जीव और आत्मा दोनों का बैलेंस लेकर के चलना सिखाता है। तो आत्मा के अध्ययन के साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को एक साथ हम समन्वय बना करके कैसे रहे। हमारे से पूर्व वक्ता ने पांचों तत्वों का उल्लेख किया, तो भगवान ईश्वर ने भी हमको कहा पांचों तत्वों की विशेषता जो आपकी देन है, हम सब ने भी अभी इससे पहले दिया जलाया। दिया मानो दिया, दिया उसने क्या दिया? रोशनी दी, प्रकाश दिया। तो ये पांचों तत्व भी हम सबको दे रहे हैं। आज इस हॉल में भी हम बैठे हैं, आप आसपास की हर चीज को देखिएगा, वो भी आपको दे रही है। सोफा दे रहा, लाइट दे रहा, माइक दे रहा, हर चीज आपको दे रहा। सिर्फ एक इंसान है जो ले रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं हम स्रोत से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब तक वो स्रोत से नहीं जुड़ेंगे, तब तक लेने वाले बने रहेंगे। ये लाइट इसीलिए दे रहा, पावर हाउस के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो पावर हाउस से जहाँ डिस्कनेक्ट होगा, ये भी देना बंद करेगा। तो आप और हम सबको ईश्वर ने संसार में देने के लिए तो भेजा है। तो पांचों तत्वों को भी क्यों देवता कहा गया? वो भी देने का काम कर रहे हैं। तो पांचों तत्वों के साथ जब तक हम समन्वय नहीं बनाएंगे, तो हमारा जीवन का एक बैलेंसिंग नहीं बन पाएगा। तो जैसे पांच तत्व है, तो पांचों तत्वों के पांच गुणों का स्वरूप बन जाए, यही तो स्पिरिचुअलिटी।